सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। बेटा आओ, तुम दोनों झूले पे बैठो, तिलक की रस्म शुरू करते हैं, है ना? हाँ जी। एक मिनट, अब क्या हुआ बेटा? रघु, ये सब क्या है? दीदी, मैंने फैसला लिया, आयुष और अंगली के तिलक और ओढ़ने की रस्म में जितने भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे वो सब हम देंगे। इतना खास रिश्ता जो है मेरा रंगीली से। हम सबका, इसीलिए मैंने सोचा है इस रस्म की सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। सैल्यूट करने का मन कर रहा है विनायक, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। रंगीली कितनी खुशनसीब है कि वो तुम्हारे गांव में पैदा हुई और उसे तुम्हारे जैसा इंसान मिला। एक मिनट, अब संगीता जी आप बताइए, आपको कोई आपत्ति या समस्या तो नहीं है ना हमारे वीनू के इस निर्णय को लेकर? नहीं नहीं, हमें भला क्या समस्या हो सकती है। आज का दिन और मौका आपका है और उस दिन मैं अपनी बहू के आंचल में सारे तोहफों से भर दूंगी। जरूर, शिव 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 शिव, आइए शुरू करते हैं। बैठो बेटा। नायक को झूठ तो बोल दिया हमने, लेकिन सच तो ये है कि ये शादी करने में हमारी जान निकल रही है। ये नाटक अब और नहीं होगा हमसे। नाटक नहीं हो पा रहा है तो सबको सच बता दो ना सिद्धि, बोल दो सबको कि तुम मेरी सिद्धि हो और वापस मेरी बाहों में आ जाओ। वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर दुख हर मुसीबत से बचा के रहूंगा। रंगीली बेटा, कौन से खयाली पुलाव पका रहे हो? हाँ? अरे अपना आंचल आगे करो ना शगुन लेने के लिए। हुँ? हम जानते हैं ये सब करके हम आपके दिल को दुखा रहे हैं विनय, लेकिन हमें माया और उसके बच्चे के लिए ये सब करना होगा। आज से आपकी बेटी जैसी रंगीली हमारी बहू हुई। जी, ओढ़नी की रस्म तो हो गई, अब तिलक की रस्म आपकी फैमिली में से कौन करने वाला है? हाँ हाँ, सुषमा। ठीक है, तो दादी आप तिलक की रस्म मैं शुरू करती हूँ। आओ बिटिया। डोंट वरी भाई,
जब तक मैं हूँ तब तक आयुष का तिलक तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सिद्धि भाभी के नाम के तिलक पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक। जागृति, ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? सही इंसान को तिलक लगाया मैंने। मेरा मतलब है कि मैं सही इंसान को तिलक लगाने जा ही रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं स्लिप हो गई। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? कोई बात नहीं बेटा, आयुष का तिलक फिर से कर दो। जी आंटी। सॉरी, ये एक्चुअली ये फैक्ट्री से मैनेजर का कॉल है, वो लेना ज़रूरी है, अब मैं इससे बात कर लेता हूँ। हाय माँ, ये रंगीली का होने वाला दूल्हा कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं? देखा ना कितने फोन बजते हर 2 महीने को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने बोला ना कि मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता उस नौकरानी से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया इसीलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ? हाँ, इतना हैंडसम लड़का उस नौकरानी के पीछे जाएगा? पागल हो गई हो क्या? वो सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है मेरे लिए। उसका इस घर से और उस विनायक से कुछ खास रिश्ता है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। एक बार शादी हो गई ना तो जिंदगी भर के लिए पांडे परिवार से पेंशन लग जाएगी मेरी। धीरे धीरे आयुष पांडे फैमिली का बिजनेस पार्टनर बन जाएगा और एक दिन पूरा का पूरा बिजनेस अपने नाम कर लूंगा मैं। तो आयुष पैसे के लिए इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? मतलब सिद्धि भाभी एक गलत इंसान के चंगुल में फंस रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर इसने शादी कर ली तो विनायक भाई और सिद्धि भाभी कभी एक नहीं हो पाएंगे। सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे। आई लव यू विनय। सिद्धि, आई लव यू। सुना तुमने, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो यही बात जाकर उनसे कह क्यों नहीं देते भाई? कब तक इस बात को अपने दिल में रख के खुद को टॉर्चर करते रहेंगे आप? विनायक भाई, सिद्धि भाभी से सच क्यों नहीं कह देते आप? मुझे यकीन है जब आप सिद्धि भाभी से अपने दिल की बात कहेंगे ना तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे और सबको जाके सच बोल देंगे। सब बता चुका हूँ उसको मैं,
कुछ भी बताने की जरूरत नहीं अब। मैं सच उसकी आंखों में बहुत पहले देख चुका हूं। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती, बस कोई कारण जिसकी वजह से वो खुद को मुझसे दूर कर रही। क्या कर रही हो बिटिया? कब तक खुद को वीनू से दूर रख पाओगी तुम? अपने आंखों के आंसुओं को तो पोंछ लोगी, अपने आत्मा के आंसुओं का क्या करोगी? ना तुम उन्हें रोक सकती हो, ना हमसे छुपा सकती हो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वीनू से प्रेम ही नहीं? रत्ती भर भी परवाह नहीं है तुम्हें विनायक की, जवाब दो। हाँ हमें है परवाह विनायक, सिर्फ उनसे प्यार कर। सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा। तो फिर क्यों क्यों दंड दे रही हो स्वयं को और विनायक को भी? जाकर सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देती उसे? अपनी आत्मा पर से जो ये बोझ है ये उतार क्यों नहीं देती सदा के लिए? वो इस बोझ के साथ सिर्फ इसलिए जी रही है क्योंकि वो माया और उसके बच्चे को उसका हक दिलाना चाहती। मैंने माया के साथ जो गलती की उसकी सजा दे रही हूँ मुझे ऐसे टॉर्चर करके। लेकिन भाई गलती तो इंसान से ही होती है ना, आपकी एक गलती की वजह से दो लोगों की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। आयुष की सगाई है उनके साथ और फिर शादी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं सिद्धि की शादी आयुष से नहीं होने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसी होती है। विवाह नहीं होगा? क्या मतलब बेटा, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब ये सब कैसे संभव है? हाँ दादी, हम ये शादी नहीं करेंगे। बिटिया विवाह नहीं करना था तो इस रिश्ते को हाँ क्यों किया? बिटिया कल तुम्हारी सगाई है, अब कैसे पीछे हट सकती हो? हमें बस थोड़ा सा समय चाहिए ताकि किसी भी तरह माया और विनायक की शादी हो जाए। एक बार हमारी सगाई हो जाएगी, विनायक को यकीन हो जाएगा कि हम उनकी सिद्धि नहीं, हमें किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता देखेंगे। वो माया से शादी करेंगे और उसके बच्चे को अपना नाम देंगे। इसलिए हमें आयुष के साथ सगाई की और शादी का नाटक करना होगा। ये नाटक है उसका। मैं जानता हूं वो मेरी सिद्धि, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। किसी और से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो सिर्फ मेरी और बहुत जल्द आयुष को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकेगी। मैं भी देखता हूं ये शक्ति कैसे होती है, इसलिए मैं भी उसे नाटक वाली शादी करने दे रहा हूं। जो भाई कह रहे हैं अगर वो गया तो आयुष का चैप्टर अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। वैसे भी वो दिल का अच्छा इंसान नहीं है, उसके बाद मुझे भाई को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल सगाई से पहले सिद्धि सबके सामने आके सच कहेगी कि वो रंगीली नहीं बल्कि मेरी सिद्धि है। मैंने सोच लिया इस सगाई को होने से कैसे रोकना है। कल ये सगाई होने से कोई नहीं रोक सकता था दी, और एक बार ये सगाई हो जाएगी तो विनायक को यकीन हो जाएगा कि हम उनकी सिद्धि नहीं। इसलिए कल ये सगाई हर हाल में होनी होगी। बिटिया रंगीली कहाँ है? उसे भी तो बुलाइए, सगाई का मुहूर्त हो गया है। जी जी सुषमा। जी माँ, हम देखते हैं। ये सिद्धि की बच्ची आई क्यों नहीं अभी तक?
कहीं आयुष से शादी करने का इरादा बदल तो नहीं गया इसका? सब लोग तो हैं यहाँ, लेकिन विनायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ रह गए? संभाल के रखना हमारे इस अनमोल तोहफे को। हम तुम्हें आज एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और हमारी भी। ये कहो माया रानी कि बला डली। हमें आपका ये तोहफा दिल से कबूल है। अगर सब आ गए हैं तो सगाई की रस्म पूरी करें। हाँ जरूर बेटा जरूर। हमें आपको अपना बनाने की इतनी बेचैनी है कि मन कर रहा है फट से रिंग पहना के आपको हमेशा के लिए अपना बना लें। ये लो बेटा, रंगीली को सगाई की अंगूठी पहना दो। हम जानते हैं विनय, हमारे इस कदम से आपको बहुत तकलीफ और दर्द होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। माया के बच्चे को हक दिलाने के लिए यही एक तरीका था हमारे पास। संगीली, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? रंगीली जी, ये आपके नाम से किसी ने लेटर भेजा है। ये खून से लिखी हुई चिट्ठी। सिद्धि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं ना तुम्हें कभी किसी के साथ बांट सकता हूं और ना ही किसी के होते हुए देख सकता हूं। मेरे सामने तुम्हारी शादी किसी और से हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया है। अलविदा सिद्धि, आई लव यू। सिद्धि तुम सिर्फ मेरी हो, जिंदगी में तुम नहीं वो जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। नहीं! क्या हुआ रंगीली? किसकी चिट्ठी है ये? हाय हाय हाय, अरे तू ऐसे बौखला क्यों गई? ऐसा क्या लिखा है इसमें? सब सब ठीक है ना? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? गौरी मैम, ये मेरे गांव से आई है चिट्ठी, मैं अभी आती हूँ। आती हूँ। ऐसा भी क्या लिखा है उस लेटर में जो ये उसे पढ़ के एकदम से पागल हो गई? और ये सिद्धि ऊपर भाग के क्यों चली गई? कहीं ये विनायक के पास तो नहीं गई है? नहीं।
कैसा लगा मेरा नकली खून से तुम्हें लेटर लिखकर भेजने का आइडिया? पकड़ेगी ना तुम्हारी छोरी, मुझे पता था तुम ये खून से लिखा लेटर देखकर डर जाओगी और चुपचाप भागकर मेरे पास चली आओगी। अब मुझे और भी यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, वो भी हद से। बस बाबू, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। भगवान के लिए बंद करो ये नाटक। और ये कौन सा तरीका है किसी से प्यार जताने का? कहां समझ रखा है अपने आप को? जब मन में आया एक नई नौटंकी खड़ी कर दी, वो भी बिना बात के। तुम्हारे इस गुस्से को देखकर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि प्यार आ रहा है। अब तो मुझे और यकीन आ गया कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही तुम मुझसे करती हो। तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे दिल का हाल पढ़ सकता हूँ, मेरी तकलीफ में तुम्हें दर्द होना, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रहे, और तुम्हारी डरी हुई जुबान चीख चीख कर कह रही कि तुम सिर्फ मेरी हो। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू सावन भी तू फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जीऊं। मेरा मन है मेरा गुरूर। तुम इसे सच से मुंह नहीं मोड़ सकती सिद्धि। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, होश में हो कि ना? जाने दो मुझे। जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच सुनने के बाद कि तुम मेरी सिद्धि हो जो तुम खुद नहीं कर पा रही हो, वो मैं करके रहूंगा। तुम्हारे चेहरे से रंगीली का मुखौटा हटा कर रहूंगा मैं, और बना कर रहूंगा तुम्हें अपनी सिद्धि। आज सबके सामने अपनी सिद्धि को लेकर रहूंगा। बस बंद करो ये नाटक। एक एक पल मैं सौ सौ बार मर रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा हूं। मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर उम्मीद, हर ख्वाब में सिर्फ तुम हो सिद्धि, सिर्फ तुम। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी सिद्धि हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम साथ में मिलकर सारी मुश्किलें हल कर देंगे। बस एक बार मान लो कि तुम मेरी सिद्धि हो, बस एक बार अपने विनायक को उसकी सिद्धि से मिला दो, प्लीज सिद्धि। रिपोर्ट से इससे साबित होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। उस रात जब आप होश में नहीं थे, आपने हमारे साथ वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैं मान रहा हूँ मेरी गलती, और मैं इसकी जिम्मेदार उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हें भी अपनाऊंगा और इस बच्चे को भी। नाम है रंगीली, जबान है कटीली, फंसते नहीं है जाल में, कमी नहीं भौकाल। आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, दूर रहो रंगीली से, आंखों में जल जाओगी। जाके अस्पताल में अपना इलाज करो, वरना ऐसे ही रहे ना तो पूरे के पूरे पगलेट हो जाओगे। रत्ती भर भी शर्म नहीं आती तुमको? एक तरफ वो गोरी मैम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, और तुम दूसरी तरफ गैर औरतों के साथ नैन मटक्का करने में लगे हुए, लोक लाज का जरा भी लिहाज नहीं। आखिरी बार कह रही, रंगीली के साथ बदतमीजी की तो रंगीली पुलिस को बुला के तुम्हारी आसिकी का भूत अच्छे से उतार देगी, समझे? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.